साथियों नमस्कार। आज हम कविता बोल पर एक युवा कवयित्री नेहा नरुका जी की कविता पढ़ रहे हैं। उनकी इस कविता का शीर्षक है अकाल। आइए सुनते हैं। जिसने अकाल देखा हो वो थोड़ा सा गेहूं हमेशा बचा कर रखता है। बेशक उस गेहूं में घुन लग गया हो पर फिर भी अकाल देख चुका व्यक्ति उस गेहूं को फेंकता नहीं। वो अपना जरूरी समय घुन बीनने में गंवाता है। वो इंतजार करता है खिल कर आई धूप का, उछल उछल कर बहते पानी का। वो धोता है गेहूं, सुखाता है, परेवा उड़ाता है, फटकता है, बीनता है। एक पीपा भर कर अपने घर के कोने में रखता है जिसने अकाल देखा हो। अकाल को देखना ऐसा ही होता है। अकाल हमेशा रहता है उसके मन में। एक समय के बाद मन से सब उतरता जाता है पर अकाल नहीं उतरता, नहीं मिटती पेट से उसकी स्मृतियां। कलकत्ता की सड़कों पर भूख से मर चुके मनुष्यों की लाशें बिछी हैं। भूख से व्याकुल कैदी औरतें खा रही हैं अपने शिशुओं को। ईश्वर ने स्वर्ग से भेजा है अपनी संतानों के लिए अकाल। राजा ने भेंट किया है अपनी प्रिय प्रजा को अकाल। ऐसी क्रूर कल्पनाएं करती हैं पीछा अकाल देख चुकने के बाद। मगर जो अकाल के बाद आया है उसे आश्चर्य होता है। कोई घुन लगे गेहूं को भला खा सकता है क्या? कीड़े भी कोई खाता है क्या? एक नस्ल द्वेषी हंसता है, चीनी सांप खा जाते हैं, चीनी चमगादड़ खा जाते हैं, चीनी जानवरों के लिंग खा जाते हैं। अकाल में पैदा हुआ बच्चा सब खाता है। जंगल में बड़ा हुआ मनुष्य जानवरों की तरह बोलता है। रेगिस्तान में फंसा शुद्धतावादी अपना पेशाब पीकर प्यास बुझाता है। अकाल देख चुका व्यक्ति थोड़ा सा गेहूं बचाकर अहिंसक परंपरा में अपना थोड़ा सा योगदान देता है। शुक्रिया।